नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। उत्तराखंड जहां देवी देवताओं का वास माना गया है, यही कारण है कि यहां के लोगों की देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था व अटूट श्रद्धा है। प्रकृति की गोद में बसा है जौनसार क्षेत्र, जहां का महासु देवता मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, महासु देवता उसकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी लोग महासु देवता के प्रति अटूट आस्था व अटूट विश्वास रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से भी यहां हर वर्ष नमक भेंट किए जाने की परंपरा का निर्वहन होता रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। महासु देवता असल में चार देवताओं का सामूहिक नाम है। भगवान शिव के रूप में यहाँ चार भाइयों की पूजा की जाती है। चारों महासु भाइयों के नाम बासिक महासु, पवासी महासु, बौठा महासु और चालदा महासु हैं, जो सभी बाबा भोलेनाथ के ही रूप हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्राम सराजी में चालदा महासु महाराज, जिनको छत्तरधारी भी कहा जाता है, उनके नव निर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना एवं महायज्ञ का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम को सिद्ध करने में श्री चालदा महासु के वर्तमान वजीर जयपाल सिंह, कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान व ग्राम सराजी के लोग अटूट श्रद्धा से लगे हुए हैं। मंदिर कमेटी सराजी का ये प्रयास उल्लेखनीय व सराहनीय है। इस कार्यक्रम में हिमाचल व उत्तराखंड से 25 से अधिक देवी देवताओं की पालकियां महाराज के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। चालदा महासु महाराज अपने भाइयों में से सबसे छोटे हैं, वह भ्रमण प्रिय देव भी हैं और इन्हें चलता राज प्राप्त है, जो कि 12 साल पांशी बील व 12 साल शांठी बील में भ्रमण करते रहते हैं और जिनकी मान्यता हिमाचल, उत्तराखंड, जौनसार, बावर के इलाकों में है और वर्तमान में महाराज कोटी कनासर में विराजमान है। सराजी में देश विदेश से पूरे साल भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। मंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि महाराज के आदेश द्वारा 19 अप्रैल से यहां पर महाराज की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ था, जो कि लगभग 3 महीने चला। अध्यक्ष के अनुसार इस मूर्ति के बनने तक सभी मंदिर कमेटी के लोगों द्वारा कठिन नियम अपनाए गए, जिसमें कि 3 महीनों तक हर दिन समस्त ग्रामवासियों का उपवास रखना शामिल था। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी को भी गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो सभी प्रातः काल ही मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे, वह पूरे दिन यहां काम करते थे और शाम को महाराज के नियमों अनुसार मंदिर में ही दिन में एक बार अन्न ग्रहण कर उपवास तोड़ते थे। जौनसार से लाइव उत्तराखंड के लिए प्रभा जोशी की रिपोर्ट। 4 बजे महाराज की पूजा होती है, जिसमें कि ठाणे भी होते हैं, भंडारी भी होते हैं, डडवारी होते हैं, बाजे लगते हैं और फिर उसकी पूजा होती है, पुजारी होते हैं। महाराज की 4 बजे पूजा की जाती है, उसके बाद जो है फिर भोजन होता है पुजारी का और दूसरे दिन फिर 5 बजे तक कोई ना चाय पानी कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जब पूजा होगी उसके बाद जो है भोजन होगा और फिर चाय पानी, उसके बाद रात को 9:30 बजे तक, फिर 9:30 बजे के बाद इसके लिए कोई मतलब उपलब्ध नहीं है पुजारी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी चालदा महासु मंदिर समिति के हर सदस्य तथा हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और साथ में इतने बारिश के होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को, हर श्रद्धालु को, हर श्रद्धालु लोगों को सोने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर महिलाएं और मंदिर समिति, समस्त ग्रामवासी, बाहर से आए हुए जितने भी हमारे को सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का आना लगा हुआ है और हमारे साथ के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से आए हुए और हमारे पड़ोसी गांव के साथ लगते हुए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हर आदमी का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है। मैं मंदिर कमेटी के चेयरमैन के नाते समस्त माताओं, बहनाओं और कमेटी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार करता हूं कि जो इन लोग, सभी लोगों ने यहां पे इस कार्यक्रम में इतनी बाधाओं के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य निभाया है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।